माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। आज हम लोग बात करेंगे जीरो की। जीरो आप पर, आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है, आपकी फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव डालता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर क्या प्रभाव डालता है, आपके जीवन में सक्सेस पर क्या प्रभाव डालता है, और आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं या बुरे व्यक्ति बनते हैं, आप समाज के लिए काम करने वाले लोग बनते हैं या समाज के काम नहीं करने वाले लोग बनते हैं, ये सारी बातों पर आज बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जीरो जिस नंबर से पहले लगता है वहाँ ये इनफेक्टिव होता है, लेकिन किसी नंबर के भी ये आगे लगता है तो ये वहाँ बहुत इफेक्टिव होता है। जीरो में पावर है बिंदु को ब्रह्मांड में बदल देने की, अगर ये सही काम करे तो। सबका जीरो सही काम नहीं करता। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ये यूफोरिया होता है कि भावुकता में भावना बैठ के और बह जाते हैं और उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छा कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जीरो को समझने की ज़रूरत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वो अंक हैं। 1, 2, 3 ये डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, और बाकी जो अंक हैं वो आपके ईयर में होंगे, जैसे 1940, 1950, 1960 वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें दो अंकों का टोटल भी काउंट किया जाता है, लेकिन वो अलग सिस्टम है, उसके बारे में फिर मैं कभी चर्चा करूँगा। अभी तो आप रिजल्ट सुनना शुरू करिए, और फिलहाल मैं रिजल्ट बता रहा हूँ केवल डेट ऑफ बर्थ का। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 जीरो हैं ये अच्छा है, 2 से अधिक जीरो हैं तो अच्छा नहीं भी हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर 3, 4 या उससे ज़्यादा जीरो हैं, 3 या 4 से ज़्यादा तो सामान्यता होंगे भी नहीं, तो ये बहुत ख़राब स्थिति पैदा कर सकता है। तो जीरो का मतलब ये है कि ये अपने नंबर को स्ट्रेंथन करता है, इसका जो नंबर जिसके साथ ये लगता है उसको मजबूत करता है, लेकिन अगर वो नंबर बुरे फल देने वाला है तो उसकी बुराइयों को ये बहुत बढ़ा देगा, और अच्छे फल देने वाला है तो उसकी अच्छाइयों को ये बहुत बढ़ा देगा। ठीक है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10, 1 के साथ 0, ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है, जरूर मिलेगी, लेकिन जीवन के उसको पहले हिस्से में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, यानी 30-32 वर्ष तक तो उसको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको कोशिश ये करनी है कि कोई भी काम सीखे, पकड़े और उस काम को करना शुरू कर दे। ये ना देखे ये छोटा काम है, ये ना कहे कि ये छोटा काम है, क्योंकि वही काम, नोट करके रख लीजिए, वही काम धीरे धीरे आगे जाकर बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको बहुत सारी सफलता दिला देगा। तो संघर्ष है, करने को तैयार रहिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 10 है, 20 उसके बाद आ जाता है, 20 यानी 2 के आगे, ऐसे व्यक्ति 2 एक्सट्रीम्स पर होते हैं। एक तरफ तो बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत सारे काम वो कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो इतने ज़्यादा भावुक होंगे कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, या उनके अंदर भयंकर गुस्सा या क्रोध हो सकता है, जिसकी वजह से उनको आगे जाके कोई मेंटल डिसऑर्डर डिजीज भी हो सकती है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप का स्वभाव क्या है, और जिसको आप ही बेहतर तरीके से जांच सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि आपके अंदर बहुत गुस्सा तो नहीं है, आप किसी को कुछ भी तो नहीं कह देते हैं, आप गुस्से में अपना अहित करने की कोशिश करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 0 यानी 2 जीरो, तो आपको आगे जाकर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा हो अभी से सुधर जाइए, और सुधरने का तरीका क्या है, चांदी की चीज़ें पहनिए, चांदी के गिलास में जल लीजिए, या फिर चांदी का कोई शुद्ध टुकड़ा छोटा ही सा हो वो अपनी बॉटल में डाल के रखिए, उसमें 2 बूंद शुद्ध केवड़े की भी डाल लीजिए, और दिन में 2-4 बार उसका सेवन कीजिए। ठंडी और बहुत मीठी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, तामसिक भोजन एकदम बंद कर दीजिए, और उसके साथ साथ ओम श्याम श्रीम श्रोम साह चरमसे नमः का जप करते रहा कीजिएगा, और फीका दूध ज़रूर पी लीजिएगा। साथ ही साथ सोमवार के दिन विशेष रूप से आप शिव जी का कोई भी जप अवश्य कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं कि या कोई और कारण है तो उस दिन आटे का दान गौ माता को ज़रूर कर दिया कीजिएगा, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा।
मेरी बात को हल्के से मत लीजिएगा, ठीक है। 30 तारीख, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 30 तारीख, तो ये मान के चले कि 35-36 साल तक इनके जीवन में बहुत संघर्ष है। दरअसल क्या है कि इन लोगों को नॉलेज तो कम नहीं होगी, इन लोगों को सीनियर्स का, अपने टीचर्स का, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रेम भी मिलेगा, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आने में बहुत वक्त लगता है। तब तक ये लगातार गलत डिसीजन लेते हैं, गुस्से में डिसीजन लेते हैं, बदले की भावना से डिसीजन लेते हैं, किसी को कुछ दिखाने की भावना से डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, अहंकार बहुत आ जाता है और उसके चक्कर में ये अपने बहुत सारे संबंध खराब कर लेते हैं, और ऐसे लोगों का शरीर भी उनका बहुत साथ नहीं देता शुरू में। इनको लिवर से संबंधित, पेट से संबंधित, कमर से संबंधित रोग हो जाते हैं, आँख और सर भी इनका अक्सर दुखता है, और अगर लिवर की फंक्शनिंग ज़्यादा खराब हुई तो उसका विपरीत असर हृदय पर भी पड़ता है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ये फैट्स बढ़ते चले जाते हैं शरीर में। ऐसे लोगों को अपना भोजन चिकित्सक से मिलकर बहुत सिंपल कर देना चाहिए, बहुत सिंपल कर देना चाहिए। सुबह को गरिष्ठ भोजन या सुबह को अधिक भोजन ज़रूर लें, नाश्ते में रोटी सब्जी भी खा लें, और सूर्य अस्त के बाद धीरे धीरे ये लोग भोजन अपना हल्का कर दें, शाम को तो बहुत ही हल्का कर दें। दूध भी गरिष्ठ भोजन में आता है, वो भी ना लें। उसके साथ साथ ये एक काम ज़रूर करें, सुबह को थोड़ा सा शहद अथवा गुड़ ये ज़रूर चाट लें, अगर चिकित्सक परमिट करें तो, अन्यथा हर बृहस्पतिवार के दिन गुड़ या शहद या दोनों का दान मंदिर में ज़रूर कर दिया करें। तीसरी चीज़ जो इन लोगों को करनी है, ये कोशिश करें कि अपने मियाँ मिट्ठू ना बने, बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में ना करें, और इनके ऊपर प्रशंसा का पानी ना चढ़े बिल्कुल भी, चाहे ये कितने भी बड़े व्यक्ति के साथ हो, चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुँच जाएँ, चापलूसी से करने से भी और चापलूस लोगों से भी जितना डिस्टेंस ये बना के रखेंगे बचे रहेंगे, नहीं तो वो लोग इनको गर्दों में लेकर गिर जाएंगे, और मैरिज लेट ही करेंगे तो अच्छी जाएगी, जल्दी कर ली तो मन भेद बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और ऐसे लोगों को एक साथ एक काम और करना चाहिए, यदि स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, क्योंकि ऐसे लोग एम्बिशियस बहुत एम्बिशियस होते और देखिएगा 3 के साथ 0 का परिणाम क्या होता है, सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हल्का सा अपवर्ड स्लांट होता। तो ऐसे लोगों को एक उपाय क्या करना चाहिए, हल्दी और दूध का सेवन या तो खुद कर ले, नहीं सूट करता तो किसी को करा दिया करें, ठीक है, या हल्दी का तिलक स्वयं लगा लिया करें, तो ऐसे लोगों का जीवन बेहतर चलेगा, अन्यथा बड़ी दिक्कत होगी। 1940 मान लीजिए, 1910 और 20 तो ऐसे लोग तो बहुत कम ही होंगे, 1940 के अभी काफ़ी लोग होते हैं, 1940 है यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होगा और आगे जाके परेशानी होगी। 50 है, 5 के साथ 0 जब भी लगेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी और क्रोध बहुत देगा, लेकिन अगर इन्होंने अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर लिया तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। 60 यदि है तो ऐसे लोग समय पर सचेत होकर मेहनत करके अपने लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं। 1970 यदि है तो ऐसे लोग अपने इमोशंस की वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं, असंतुष्ट रह जाते हैं जीवन में, हर क्षेत्र में ये असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी तरक्की कर सकते हैं। 80 अगर है इनका ईयर ऑफ बर्थ, तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, जल्दीबाजी में क्रोध में डिसीजन लेंगे, और ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मातहतों के साथ यदि इनके अच्छे रिलेशंस नहीं हुए या व्यवहार उन्होंने अच्छा नहीं किया तो उन लोगों की वजह से इन्हें बहुत नुकसान सहना पड़ता है। 90 है, ऐसे लोगों को शादी ब्याह नौकरी कंपटीशन सब के लिए बहुत परेशानियां होती हैं, और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बहुत मेहनत कीजिए, शादी में तो आपकी मेहनत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खूब मेहनत कीजिए। अभी सूचना मिली कि मैंने 1960 छोड़ दिया,
1960 मुझे याद है कि मैंने ये कहा कि ऐसे लोग शुरू में परेशानियां ज़रूर उठाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से चीज़ें जोड़ जोड़ के ये जीवन में बहुत कुछ बना लेते हैं। अगर 2000 है तो ऐसे लोगों को बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वभाव में अतिरेक होने की वजह से ये जीवन में असफलताओं का सामना बहुत करना पड़ता है। यदि भी चढ़ाव आता है इनके जीवन में, लेकिन उतार भी तुरंत आ जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्टूबर में यदि आपका जन्म हुआ है तो ये आपके अंदर बड़ा मतलब सूर्य का प्रचंड वेग भर सकता है, प्रचंड ऊष्मा भर सकता है। ये आपको बहुत 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 एनर्जाइज बनाता है और आप बहुत मेहनत से बहुत अच्छे कार्य कर पाते हैं। सोच समझ बड़ी अच्छी होती है आपकी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छी हो, उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो। मैं धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, तो आप ये भी समझने लगेंगे कि डेट ऑफ बर्थ अच्छी है या नहीं है। तो 1 के साथ सूर्य ठीक है, सफलता देने वाला है। 2 के साथ थोड़ा संभल के चलने वाला है। 3 के साथ आपको व्यवहार पे कंट्रोल रखना है, घमंड पे कंट्रोल रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और काम करते चले जाना है। 4 के साथ 0 थी कि भावुकता उत्पन्न कर देता है। 5 के साथ 0 संघर्ष जरूर बढ़ाता है, लेकिन फिर भी आज व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में कामयाबी हासिल कर सकता है। 6 के साथ 0 धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह अपना घर बार आदि चीज़ें बना लेता है। 7 के साथ 0 भावनात्मक अतिरेक की वजह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। 8 के साथ 0 आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ रिलेशन डिस्टर्ब करके आपको मुसीबत में फंसा सकता है। 9 के साथ अगर 0 आता है तो ऐसे व्यक्ति को यदि क्रोध पर काबू नहीं हुआ तो उसका जीवन बहुत खराब हो सकता है। तो यह है 0 की करामात। और यदि 0 आपको बुरा फल दे रहा हो, वैसे तो मैंने उपाय कुछ कुछ बताए हैं, लेकिन अगर आपको 0 बुरा फल दे रहा हो तो पता है क्या करना चाहिए? सूर्य के सामने 20 मिनट खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। घमंड कभी नहीं लाने देना चाहिए। जब घमंड आए तो ये सोच लीजिएगा, दिया तो सब प्रभु ने है, मैं तो मेरा दांत नाक आँख कान भी नहीं बना सकता था, ये सोच लीजिएगा, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं लेता हूं जन्मदिन फल। तो 13 से जन्मदिन लेते हैं, 19 मई के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका। 13 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है। उन लोगों को स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है, जहां वो शुरू में खुश नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए समय कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ ये ला रहा है कि आपके जो पारिवारिक संबंध हैं ये बेहतर हो सकते हैं अगस्त के बाद, और कुछ नए रिश्ते भी आपके बन सकते हैं अगस्त के बाद। 14 तारीख जिन लोगों का जन्मदिन है, संघर्ष दिख रहा है, जल्दबाजी में कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। और जो आपके फैक्ट्री में, दुकान पर या आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उन पर ज़रा निगाह बना के रखिएगा, नहीं तो चूना लगा सकते हैं। 15 तारीख जिनका डेट ऑफ बर्थ है, इन लोगों को फरवरी तक बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्लानिंग खारिज कर दी जाएंगी ऊपर वाले की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें आप बनाएंगे लेकिन वो चल नहीं पाएंगी, बहुत सारे कोशिशें आप करेंगे लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। और इसलिए मेरी आपको ये सलाह है, काम सीखते रहिए, भगवत भजन करते रहिए, बड़ों की बात मानिए, लेकिन कोई नया कार्य या नया बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको नुकसान होना तय है। उसके बाद हम लेते हैं हमारा 16 तारीख जिनका जन्मदिन है, अरे उनका तो बहुत अच्छा समय है, कुछ नया बड़ा करने का उनको मौका मिल रहा है और निश्चित रूप से वो बहुत तरक्की करने जा रहे हैं। हरे रंग का धागा वह अपने गले में ज़रूर डाल लीजिएगा और बड़ों की बात अवश्य मानिएगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 17 तारीख जिन लोगों का जन्मदिन है, भावातिरेक में कोई फैसला मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सामान्य गति से चलते रहिएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे अगस्त के बाद और उसके बाद नवंबर से मार्च के बीच में। तो
भरोसा रखिए ईश्वर पर, मेहनत पर अपनी, खूब काम कीजिए और तरक्की हासिल कर लीजिए। एक चांदी का ब्रेसलेट पहन लें या चेन पहन लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। 18 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों के लिए ये समय अच्छा है, कुछ नया सीखने करने का वक्त है, कुछ बढ़िया करने का वक्त है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत से आगे बढ़ जाइए। ये तरक्की का समय है। हल्दी का तिलक मस्तक पर ज़रूर लगाइएगा, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। 19 तारीख जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिश्ते संकट में हैं, गृहस्थी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ेगा। आप एक काम करिएगा, सोमवार और शुक्रवार को नमः शिवाय का जप बहुत शांत और एकाग्र चित्त भाव से बैठ के करना शुरू कर दीजिएगा, आपके फिर काम रुकेंगे नहीं, कार्य आपके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। कॉल लेता हूँ, उसके बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो लूंगा। हेलो हेलो गुरुजी, राम राम। राम राम, बताइए। गुरुजी राम राम जी, कर लिया मैंने, बताइए। हाँ गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1988। टाइम है सुबह 4 बजे, न्यू दिल्ली, नाम है स्वाति जी। गुरुजी पूछना था संतान कब तक होगी, 2 साल से ज्यादा हो गए शादी को। ऐसे में संतान लेट होती है लेकिन होती जरूर है, तो आपको अभी 2 वर्ष और रुकना पड़ेगा, और निश्चिंत रहिए और बच्चों का भी मनोबल बढ़ाए रखिए। ऐसे में लेट होता है लेकिन संतान होती जरूर है। इसमें एक काम ये करिएगा, अरे मैं तो उपाय बता देता जी, आप बता दीजिए प्रॉब्लम। हाँ जी, मैं उपाय बताने वाला था, आपने बीच में टोक दिया, चलिए माता की जैसी इच्छा, बताइए। हाँ जी बताइए। मैं वही पूछ रही थी कि क्यों नहीं हो पा रही है। ये कारण जानना है तो शनि मंगल राहु की वजह से नहीं हो पा रही है। ईश्वर कभी कभी नहीं चाहते कि आप तक कोई उपयुक्त संदेश पहुंच पाए, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, बीच में ही टोक देंगे। वो व्यक्ति जो परेशान है वो पूरी बात जानना समझना ही नहीं चाहेंगे, जबकि उनकी परेशानी जेन्यून है, किसी की भी ये परेशानी जेन्यून होती है, लेकिन नहीं सुनते। और ऐसे में मेरा चुप रहना हो सकता है आपको अखरता भी हो, लेकिन ये एक संकेत है कि अभी ईश्वर नहीं चाहते कि मैं उपाय बता पाऊँ। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं पहला क्वेश्चन ज़रूर लेता हूँ, तो सारिका जी का क्वेश्चन लेता हूँ। मेमोरी वीक हो गई है, अरे कोई ब्राह्मी और आंवले का सेवन करना शुरू कर दीजिए, और थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठ के आँख बंद करके 20 मिनट ओम का जप करिए, मेमोरी शार्प होने लग जाएगी, और पानी पिया कीजिएगा अच्छे से। बाकी जो गरिष्ठ भोजन है इसे करना बंद कर दीजिए, और जो बाहर का खाना पीना है वह भी एकदम बंद कर दीजिए। थोड़ा सा घास पर नंगे पांव टहलना शुरू कर दीजिए, तरक्की होने लगेगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। एक सवाल लेते हैं, जीवन की जिम्मेदारियों में एक अहम जिम्मेदारी घर की है, जिसे पूर्ण कर देश कार्यों में लगना चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये वर्ष भी ठीक है, अगला वर्ष भी ठीक है, और 2026 भी अच्छा है, तो इन वर्षों में एक ठीक ठाक मकान आपका गाज़ियाबाद में होगा जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली रहेंगे, ठीक है ना। तो और रही आपकी, अगर डेट ऑफ बर्थ से मैं देखूं तो पूर्व से उत्तर के बीच में अगर आप ले लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो चिंता मत कीजिए जी, साउथ में भी मिल जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा, समय चल रहा है, कोशिश कीजिए। और एक काम छोटा सा ये कर दीजिए कि
आम का सीजन चल रहा है, आप बृहस्पतिवार को 5 आम किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दिया कीजिए, बस उसी से काम बन जाएगा आपका। प्रभु जी ठीक होंगे, आपको खुश होंगे और आप ठीक होंगे। राकेश घाई जी का क्वेश्चन है, प्रणाम गुरु जी, बिटिया की डेट ऑफ बर्थ है 2 शादी डिलेड होगी। और दूसरी बात, आप जिस परिवेश के हैं या जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उससे विपरीत या उससे अलग जाकर शादी होगी, और इसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहें तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगी। तो डिलेड है मैरिज इसमें, लेकिन मैरिज है इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं माता पिता की दृष्टि से सोचूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चिंता ना करें, क्योंकि उम्र तो हो ही गई है मैरिज की, तो और 1.5 वर्ष के अंदर अंदर मैरिज हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान बिटिया के हाथ से करा दिया कीजिए, ठीक है? आप चिंता नहीं करिए, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और एक अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में उनके गले में मंगलवार को पहना दीजिए, ठीक है? चिंता मत करिए। एक कॉल लेता हूँ। हेलो हेलो, राम राम गुरु जी। जी राम राम। गुरु जी मैं पिंकी सिंह बोल रही हूँ अहमदाबाद से। गुरु जी मेरे लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 2003, टाइम है 5:24 PM और स्थान है जमशेदपुर झारखंड। गुरु जी वो ना उसको मुझे इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी IT इंजीनियरिंग कर रहा है सेकेंड ईयर में, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल उसका मन उचट गया है और उसके पापा से भी बहुत झगड़ा वगड़ा करता है। गुरु जी क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, देखिए एक गोमती चक्र होता है, चांदी के पेंडेंट पे मढ़वा कर उसके गले में डाल दें। बाय द वे वो नहीं पहनता है, तो एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं और वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा मिलती है तो उनको ये लगता है कि वी आर साइंटिफिक पीपल एंड दे आर नॉन साइंटिफिक पर्सन्स। माई मदर, पर्टिकुलरली मदर इज़ नॉन साइंटिफिक, तो ये जने क्या पहना देते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं मालूम कि इसका मेंटालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर गुस्सा इनका शांत नहीं हुआ तो ये अपने कॉलेज में भी परेशानी खड़ी कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ भी बड़ी परेशानी हो जाएगी, मेरी तरफ से इनको बता दीजिएगा। तो गोमती चक्र चांदी में मढ़वा के सोमवार को गले में पहना दें, और अगर ये नहीं पहनते हैं तो इनसे ये कह दीजिएगा कि ये छोटे बच्चों की केयर करना शुरू कर दें, उन्हें कभी किताब दे दी, कभी कोई फल दे दिया, कभी टॉफ़ीज़ खिला दी प्यार से, और ये सेवा इनसे कराना शुरू कर दीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो ये समय ऐसा है, ये हो सकता है आपसे कुछ दिनों में ये कहने भी लगे कि मेरा इंजीनियरिंग में मन नहीं लग रहा और मैं घर वापस आना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है? जी गुरु जी। हाँ, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बड़े भाई को एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ, जब से बड़ा भाई गया है छोटा भाई जीना नहीं चाहता और दिन पे दिन डिप्रेशन में जा रहा है, रोजगार भी स्थिर नहीं है। अरे
तो ये ज़्यादा चिंता मत करिए, एक चांदी का छल्ला इनकी अनामिका में पहना दीजिए और ये दिन रहेगा सोमवार। पहली चीज़ तो ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ यह है, इनके साथ थोड़ा सा टहलने घूमने भी जाइए, कभी फिल्म वगैरह देखने चले गए, कभी कुछ किया, इनका मन लगाने की कोशिश कीजिए, इनको बहलाने की कोशिश कीजिए, ये बहलने लग जाएंगे। तीसरी चीज़ यह है कि इनको एनकरेज कीजिए कि समय अच्छा चल रहा है, इस वक्त में कोई भी रोज़गार होगा वो सेट हो जाएगा। 2028 नवंबर तक का समय है, इसमें रोज़गार सेट हो जाएगा। और साथ ही साथ इनको ये बताइए कि सबका जीवन क्षण भंगुर है और सबको आना है, सबको जाना है और अपने समय से जाना है। जो व्यक्ति आया था वो भी मेरा कोई नहीं था, जो व्यक्ति जब गया देह खाली हुई आत्मा से तब भी वो मेरा कुछ नहीं लगा। तो वह प्रभु का भक्त था, प्रभु का अंश था, समय पर आया, समय पर प्रभु ने बुला लिया, वो चला गया। संतोष तो धरना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता भी नहीं है। इनको ये कार्य करवाना शुरू कर दीजिए और देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इनमें परिवर्तन आने लग जाएगा। ठीक है, एक काम और करना है, रात में जब ये सोएंगे तो इनके सरहाने जल जरूर भर के रखिएगा। ठीक है, और सुबह को वो जल आप ये चाहे पी भी सकते हैं, नहीं भी पिए तो उसको आप गमलों में डाल दीजिए। ठीक है ना, पानी फेंकना नहीं चाहिए। एक कॉल लेता हूँ। हेलो राम राम गुरु जी। जी राम राम। गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1970। कौन सी फरवरी? 14 फरवरी 1970। अच्छा जी। दोपहर में 1:01 प्रयागराज। गुरु जी, ये बेरोजगार थे और घर में मेरे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है गुरु जी, और कोई काम नहीं बनता, जो काम बनने वाला रहता वो भी बिगड़ सकता है गुरु जी। और बेरोजगारी के कारण घर में हमारे पास कोई आय का साधन भी नहीं है, ना हमारे पास रुपए हैं गुरु जी। और घर में इतनी मतलब बेइज्जती की रोटी हम लोग खाते हैं गुरु जी, मतलब छोटे भाई लोग हो के हम लोग को इतना कुत्ता गिरदा दिखाते हैं गुरु जी। फिर जी कोई रास्ता बताइए मेरे पति को। अच्छा, एक काम कर लें कि हाँ जी, घर के दक्षिणी हिस्से में थोड़े से पानी में कुछ मछलियाँ रख लें। मैं ये नहीं कह रहा एक्वेरियम में पैसा खर्च करें, ऐसी प्लेट में रख लें। यदि वो भी नहीं हो सकता, मान लीजिए उतना भी पैसा नहीं है, तो एक काम करें कि जब खाना खाएं तो मिट्टी के बर्तन में बोरी पर बैठ के खाना शुरू करें। खाना खाते समय मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। ठीक, तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, गंग गणपताय नमः का जप करना शुरू कर दें। साल भर के अंदर अंदर स्थितियाँ बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, निश्चिंत रहिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। सन की डेट ऑफ बर्थ है इनके 6/10/1994। शादी को लेकर लोगों को बहुत चिंता है, शादी कब तक होगी, कैसी रहेगी और करियर में सफलता कैसी मिलेगी। ठीक भी है, रही बात विवाह की, 29 के बाद विवाह होगा, 6/23, हाँ तो लगभग समय आ गया। ठीक है ना, समय तो आ ही गया और अगले वर्ष महत्वपूर्ण समय है विवाह के लिए, तो उस वक्त विवाह इनका हो जाएगा। दूसरी चीज़,
मतलब अगले साल विवाह होगा। दूसरी चीज, इनका अगले साल से समय भी थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा, करियर में उत्थान होगा, जून से दिसंबर के बीच में। यही विवाह का समय भी है, ये करियर में उत्थान का समय भी है, लेकिन भाग्य इनका बहुत फेवरेबल नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को धीरे 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 करके ही ग्रोथ मिलती है, तेज़ी से ग्रोथ नहीं मिलती है, परेशानियों के बाद ही ग्रोथ मिलती है। एक काम ये करिएगा, अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिएगा मंगलवार के दिन, और साथ ही साथ ये लोगों को जल पिलाया करें। एक ये नियम बनाते हैं अपना, ऑफिस में जाएं तो, मित्रों हों, घर पे कोई आए तो जल ये पिलाना शुरू करें, तो बहुत जल्दी रुके हुए काम इनके बनने शुरू हो जाएंगे। फिक्र ना करें, काम ज़रूर बनेंगे। ये उपाय इनसे 1.5 वर्ष तक कराइए तो करियर में भी और नौकरी में भी, दोनों में अच्छे योग बन जाएंगे। एक कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम, उज्जवल नाम हुआ गुरु जी, मेरा जन्म तिथि है 23 अक्टूबर 1986। हाँ। और जन्म स्थान दरभंगा बिहार। टाइम गुरु जी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन जैसा बरकत होना चाहिए, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चलती है, बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, लोगों से पैसा बहुत उधार ले रखे हैं, बाप रे बोलते ही जा रहे हैं, घर लिए थे सर, चलिए, और माता पिता से उतना अच्छा सुन भी तो लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रंजीत कौर जी का क्वेश्चन है, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है, और ये चाहते हैं कि इनके रिलेशनशिप कब ठीक होंगे। ठीक है, देखिए मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव सा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा है। अब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है, और सामाजिक दृष्टि से भी वो अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समय बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, यानी मैरिज रुके इसमें बहुत मुश्किल है। फिर भी एक उपाय करके देख लेते हैं, बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिला दिया कीजिए, तांबे का एक छल्ला कनिष्ठा में धारण कर लीजिए आप, और दूसरी चीज़ ये है कि पति पत्नी अगर दोनों जा सकें तो किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बूंद दूध टपका दिया करें। ये तो कहीं आप विदेश में भी हो तो कर सकते हैं, इसलिए कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। ये उपाय अगर प्रभु ने स्वीकार कर ली तो ठीक, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज आपको अलग ही रहना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के समय आपका ख़राब नहीं होगा, आपको पैसा और प्रतिष्ठा दोनों मिलती रहेगी। ठीक है, मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगेगी आपको, बुरी लगेगी मैं जानता हूँ रंजीत जी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम सच्चाई बता देना है, और उसमें से कुछ उपाय यदि हो सकता है तो वो बताना है। मैंने दोनों आपको बता दिए, आप ये कीजिए, आगे जैसी प्रभु इच्छा। पूर्णिमा गुप्ता जी मैं इनका सही नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मना किया था, तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये ठीक है कि कुछ परेशानियाँ फिलहाल हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, तरक्की होगी और खूब अच्छी सी होगी। और रही बात ये ऐसी कि कलीग्स कंस्पिरेसी करते हैं, ये भारत के समाज
का एक इनडेलिएबल पार्ट हो गया है। हम सब पॉजिटिव जीवन जीना भूलते जा रहे हैं, कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है उसकी टांग खींच रहे हैं, उससे प्रेरणा लेके और मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। बहुत नेगेटिविटी है, आप सब लोग देखेंगे तो पाएंगे कि आप सभी लगभग सभी में बहुत नेगेटिविटी आती जा रही है। तो कॉन्स्पिरेसी से डरिए नहीं, अपना काम मेहनत से कीजिए, जो काम करें वो शो भी कीजिए और अपने काम के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। कुछ समय तो रहेगा, बाकी चिंता की बात नहीं है। अगस्त 2024 के बाद से आपका समय अच्छा है और उसमें आपकी खूब तरक्की होगी, खूब अच्छे लेवल पर आप पहुंचेंगे और स्टेबिलिटी भी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। विदेश जाने का भी अच्छा आपको मौका तब ज़रूर मिलेगा, बस एक छोटा सा काम ज़रूर कर लीजिएगा, ओम नारायण नमो नमः का जप बृहस्पतिवार से शुरू कर दीजिए, रोज़ाना 108 जप ज़रूर ले लिया कर लिया कीजिए और उसके बाद फिर आप खुद देखिएगा चीज़ें अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी। एक कॉल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं अनु बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे बेटे की ना पहले शादी हुई थी, फिर टूट गई। अब जब भी होती है ना वहाँ कोई ना कोई बात हो के खत्म हो जाए, मतलब कि जहाँ बात बनती बनती रुक जाती है। कारण क्या है पता नहीं, किसी ने मेरे बेटे पर कुछ किया तो नहीं। इसका ना जो मैंने गाना बंदा मानते है ना वो किसी ने सुने सुने, इनके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है और ये इनकी किस्मत की समस्या है। 2025 अगस्त के बाद इनका समय ठीक है, तब शादी ब्याह भी आसानी से हो जाएगा और उसके बाद इनको तरक्की भी मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब शादी ब्याह हो जाए इनका तो ये एक तो क्रोध ना किया करें और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस के जीवन में ना हो, खुशी से रहें सब लोग मिलजुल कर, ठीक है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, अक्सर देखा गया है कि कोई किसी को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, कोई किसी में खामियां ढूंढता रहता है, कोई किसी को ताने मारता रहता है, ये सब चीज़ों से दूर रहे तो शादी आराम से निभ जाएगी। थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, कर लीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं। अमित रंजन जी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आदरणीय श्री गुरु जी को प्रणाम, आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें यही कामना है मेरे गुरुदेव। बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। भैया मुझे पता नहीं आप बेटे जैसे हो भाई जैसे हो, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एनडीए में इनके सुपुत्र जाना चाहते हैं, क्या रहेगा? देखिए अभी तो मुझे कोई बहुत पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं ये कामना ज़रूर कर रहा हूँ कि ये ज़रूर जाएं। और जब ये जाए ना तो भेज देना। बहुत सारी माओं को ये लगता है कि मेरा बेटा फौज में चला जाएगा, क्या होगा, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, डरने लगते हैं। देखिए जान का क्या है, कहीं भी जा सकती है, और बचने का क्या है, कहीं भी बच सकता है कोई, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए। रही बात इष्ट देव की, तो जिस की पूजा में इनका मन लगे वही इष्ट देव हैं इनके, ठीक है। और इनको एक काम करा दीजिए, समय उपयुक्त चल रहा है और इनको एक सोने अथवा पीतल का छल्ला इनकी फर्स्ट फिंगर में पहना दीजिए, ठीक है। और इनसे कहिए कि अच्छे से तैयारी करें एनडीए की, खूब मेहनत से तैयारी करें, फिजिकली फिट हो और मेंटली बहुत साउंड हो,
तो SSB वगैरह की तैयारी अभी से शुरू करें, साथ साथ मेंस की तैयारी, साथ साथ रिटन की तैयारी शुरू करें, तो ज़रूर कल्याण करेंगे और ये देश का नाम रोशन करेंगे, हजारों माओं बहनों की इज्जत बचाएंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहो, खुश रहो। अपने देश के लोगों की मदद करना चाहता हूं। इस साल के नीट का एग्जाम दिया है, क्या मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा या अगले साल होगा? प्रभु करे कि ये भावना बनी रहे आपके अंदर, ठीक है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चे भावना से ये कह रहे हैं, उपाय करो, लिखो। और उपाय ये है कि आपने हर शनिवार के दिन जो पानी वाला गोला होता है उसे तोड़कर और जल चाहे खुद पी जाना, और वो गोला मिश्री के साथ लोगों में बांटना। दूसरा एक काम और करना है आपको, नीले काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, और पीले रंग का एक धागा अपनी दाहिनी कलाई में ज़रूर बांध दीजिएगा, ठीक। ये उपाय कीजिए और करिए मेहनत, और अगले साल तो हो ही जाएगा, मुझे उम्मीद है इस साल भी होगा। तो फिर चला जाए, आप अपनी ज़रा डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, और एक छोटा सा निवेदन, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों को इसके लिंक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे वो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे सुनेंगे, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हम और आप मिलकर इस समाज में फैला सकें, उतना अच्छा है ना, बोलो है कि नहीं। श्रीमद् भागवत की कक्षा चल रही है आश्रम में, हर दूसरे और चौथे रविवार को रहती है, 14 तारीख को फिर से है, और आप सभी लोगों को निमंत्रण है, आश्रम आएंगे अच्छा लगेगा, और नहीं तो वो YouTube पे तो रहती है, हाँ कुछ पार्ट्स YouTube पे नहीं रहते, जो कुछ ध्यान की खास विधियाँ हैं जो हम YouTube पर डालकर नहीं सिखा सकते, तो आप सब लोगों की प्रतीक्षा रहेगी, और भागवत कक्षा में भाग ज़रूर लीजिए। भागवत क्या है इसे सुनने और समझने की ज़रूरत है, हम कई बार ऐसी भागवत सुनते जो खुश रहिए, मस्त रहिए, और कहिए भारत माता की जय।